आज लाइव प्रोसेसेस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम वो करते हैं एनसीईआरटी के लेवल से कि क्या क्या करना है। मेजर पार्ट हम कर चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन करके स्टमक कर लिया था, पैंक्रियास लिवर हो चुका था, ठीक है। अब हमें नोट्स पे वापस आना, ठीक है। नोट्स से हम उसको एक बार समाप्त कर लेंगे, क्योंकि डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, जो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स का आने की चांसेस है। अच्छा, तो हम अब चलते हैं नोट्स से, ठीक है। नोट्स में पढ़ते हैं, मार्क करते हैं बस। तो देखो, पहली बात, एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब। ये बात हमें सबको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह है, ठीक है। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड गोज टिल एनस। एनस से माउथ तक एक लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये सबको क्लियर है। सेकेंड पार्ट, अच्छा, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेम टेक्सचर। ये काम कौन करता है? टीथ। कौन करता है? टीथ। टीथ उसे छोटे पार्ट्स में तोड़कर सबको बराबर कर देता है, राइट। थर्ड पॉइंट, अच्छा, इसको फूड को वेट भी करना पड़ता है और उसको सॉफ्ट भी करना पड़ता है। ये सब काम कौन करता है? तो यहाँ पे सलाइवा के दो रोल्स आ रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट करना और वेट करना एक ही बात हो गया। उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल का जो फूड है, अब हमने एक और चीज पढ़ी है कि जो भी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं वो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। उन कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगर मैं एक वर्ड में पूछूं, एंजाइम्स आर गॉड। कैटलिस्ट माने दैट इंक्रीजेस दी रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, वो कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट माने जो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। एक एंजाइम है सलाइवा के अंदर, वो है सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़कर उधर बैठ जाओ, पीछे जाओ, सिमेट्रिक शुगर में कन्वर्ट कर माइल्ड। स्टार्च को तोड़ देते हैं इनटू टू गिव सिंपल शुगर। तो पॉइंट इज दिस कि माउथ में स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है इनटू यस माल्टोज। ये कौन करता है? ये करता है हमारा एंजाइम अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। ये काम करता है। तो माउथ में ही डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। क्या माउथ में सिर्फ फिजिकल ब्रेकडाउन होता है या केमिकल भी शुरू होता है? केमिकल भी होता है। केमिकल क्या? स्टार्च का ऊपर। अच्छा, इसको भेज दो। तू चल जा एक बार, ऐसा ये लॉक कर, इसको कुंडी लगा के चले जा। मैं देख आई ट्राइड या वैसे वो भेज देता हूं। हाँ, तो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च हमारे पोटैटो में होता है, राइस में होता है। पोटैटो और राइस में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? और स्टार्च का ब्रेकडाउन माउथ में ही शुरू हो जाता है। आइसोफेगस स्टमक से आने से पहले माउथ में ही शुरू हो जाता है। और हाँ, रोटी में भी स्टार्च होता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि फूड जब सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो उसे मस्कुलर टंग च्यूइंग में हेल्प करता है और मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ गए हैं सलाइवा के। एक्चुअली दो मेन फंक्शन आए हैं, एक सॉफ्ट करना फूड को, वेट करना। दूसरा, सलाइवरी अमाइलेज भी सलाइवा का पार्ट है। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। ये सिंपल शुगर है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, ये नोट कर लिया है। अगर कुछ करना है तो मैं पूछ सकता हूं। ईसोफेगस के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। व्हाट आर दीज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या कहलाते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अंडरलाइन कर लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वर्ड को। अच्छा, फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक टू फूड पाइप और बॉडी टू पेटिस। ठीक है, स्टमक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड करता है ऑन एंड व्हेन फूड एंटर्स इट। तुम्हारा पेट बढ़ जाता है ज्यादा खाना खाने से, तो ये फूड एंटर करता है और वो उसका साइज बढ़ जाता है। इट इज लाइक अ बैग। अब डाइजेस्टिव फंक्शंस आर टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये तीन तरह के होते थे, एक जो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिन, एक जो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, और एक जो प्रोड्यूस करते हैं HCl। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर देयर इन स्टमक? थ्री टाइप्स। एक पेप्सिन सिक्रीटिंग ग्लैंड, एक HCl सिक्रीटिंग ग्लैंड और एक म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, राइट? ठीक है, HCl एक्शन पेप्सिन का एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन के एक्शन के लिए HCl जरूरी है। HCl का क्या रोल है? म्यूकस HCl से स्टमक को बचाता है। तो HCl जो है वो एसिड है और एसिड हमारे स्किन पे अगर गिर जाए तो स्किन जल जाती है, और वो स्टमक में कैसे रह पाता है? बाय ड्यू टू लाइनिंग ऑफ म्यूकस। म्यूकस की लाइनिंग स्टमक के ऊपर होती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड अटैक। ठीक है, एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक मस्कुलर रिंग होती थी जो कि क्या करती थी, अगर हमारा फूड आ रहा है उसको थोड़ी देर स्टमक में रखना है तो स्टमक में रख सकते हैं या फिर सीधा नीचे जाएगा वो इंटेस्टाइन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल है जो स्टमक से फूड को इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है, वो उसे धीरे धीरे जाने देता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्फिंक्टर यहाँ पे हम याद रख पाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। यहाँ से हमने नया पार्ट शुरू करना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने नहीं किया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब एंटर करता है तो उसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज अ लॉट ऑफ कॉइलिंग। क्या है कॉइलिंग? कॉइलिंग माने बार बार ये एक दूसरे के अराउंड लिपटी हुई है ना, और बहुत ज्यादा लेंथ पे बहुत बड़ी है पर उसे छोटे से एरिया में पैक कर रखा है। अच्छा, हर्बीवोर्स का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाई, ये लिख लो छोटा छोटा इसी नोट्स पे, व्हाई हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाई हर्बीवोर्स अब हम इतने आगे आ गए। वैसे तो हम भी, मैंने बताया था, हम जानवरों से ही आए हैं, हम भी वो एप से ही आए हैं, बंदरों से ही आए हैं। तो बंदर क्या खाता है? वो केला और फल फूल पत्तियां कुछ भी खा लेता है ना। तो पॉइंट इज ऐसे ही जो हर्बीवोर्स है वो ज्यादातर पत्तियां खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर आज तुम पालक ऐसे खा जाओ, मम्मी बोलो मैं क्या पालक का साग खाऊंगा, ऐसे देखो पालक ऐसे खा लो, ऐसे खा लो, तो हाँ तो पेट खराब हो गया, तो तुम्हारे हजम तो होगा ही नहीं, कन्फर्म। ठीक है, तो तुम जो सैलड्स खाने वाली जनरेशन है, तो पॉइंट इज दिस, सैलड वैलड हमें पचेगी नहीं। क्यों बचेगी? रफेज थोड़ी सी चाहिए होती है, पर पूरा हम सैलेड्स में नहीं रह सकते, उससे तुम पतले ही होगे क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी में लगेगा ही नहीं, बस तुम्हारी भूख को कम कर देगा। तो तुम सैलेड खा के बस ये सोचोगे कि तुमने खा लिया, दिमाग को उल्लू बना लिया, पर उससे कुछ खाने को कुछ मिला नहीं। तो तुम पतले जरूर हो जाओगे सैलेड से, पर सैलेड से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए, राइट? तो पॉइंट इज दिस कि जो हरी पत्तियां और लीफी वेजिटेबल्स है उसके ऊपर होता है सेल्युलोज। उसके ऊपर क्या होता है? सेल्युलोज। सेल्यूलोज जो होता है इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट होता है सेल्यूलोज। तो पॉइंट इज दिस कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हम तो सेल्यूलोज खाते ही, हम सेल्यूलोज को पका देते हैं। कैसे? जब हम खाने को पकाते हैं तो उसके ऊपर से सेल्यूलोज जो होता है वो ऑलरेडी टूट जाता है। वो क्या हो जाता है?
टूट जाता है, वो पकने के बाद प्रोसेस होने के बाद वो सेलुलोज नहीं रहता, और सेलुलोज नहीं रहता तो हम उसको हजम कर पाएंगे, इसीलिए हमें खाना पका के खाते हैं। समझ में आई बात? वो कैसे, हम भी तो वहीं से आए हैं पर हम इतने आगे आ चुके हैं कि हम पीछे नहीं जा पाएंगे अब। ठीक है, कि अब हम कच्चा खाना ऐसे ही, तुम सोचो आज मैं जंगल में रहना सीख जाऊंगा और ऐसे फूल पत्तियां खाऊंगा तो उससे काम चलेगा। तो पॉइंट इज दिस कि कार्निवोर्स के साथ भी प्रॉब्लम है। मीट जो होता है इजी टू डाइजेस्ट होता है, मीट कैसा होता है इजी टू डाइजेस्ट। अब तुम शेर को बोलो कि चलो मीट छोड़ के तुम जाओ पेड़ पत्तियां खाओ, तो उसके बाद वो एंजाइम नहीं रहेगा, उसके बाद वो एंजाइम नहीं है, क्योंकि वो एवोल्यूशन के साथ जैसे हमारी पूंछ चली गई उसका वो एंजाइम चला गया है जो फूल पत्तियां खाता होगा कभी ऐसा कोई शेर। तो पॉइंट इज दिस कि ये कार्निवोर्स के लिए, कार्निवोर्स के लिए इजी है क्योंकि उन्हें मीट खाना, मीट इजी टू डाइजेस्ट है, उसमें सेलुलोज की कवरिंग नहीं है। Right? पर अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, हर्बीवोर्स को तो सेलुलोज ही खाना है और सेलुलोज आसानी से नहीं टूटता है, तो उसके लिए डाइजेशन के दौरान उसको ज्यादा टाइम स्टमक और इंटेस्टाइन में बिताना पड़ता है। तो इसीलिए हर्बीवोर्स की तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके हर्बीवोर्स को खाना एब्जॉर्ब करने के लिए, पचाने के लिए, क्योंकि उन्हें क्या खाना है सेलुलोज व्हिच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। हां बोलो। अडैप्टेशन भी तो हो सकती है कि अगर हम रोज खा रहे हैं। अडैप्टेशन एक होता है कि तुम रोज खा रहे हो ना तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, पर तेरे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे 100 साल बाद, तो उन बच्चों में से किसी में शायद वो अडैप्टेशन, वो एवोल्यूशन आ जाए जब तू और उनको भी जबरदस्ती खिलाए ये लोग फूल पत्ते खाए, तो उसमें एवोल्यूशन हो सकता है, पर क्योंकि एवोल्यूशन टेक्स टाइम, एवोल्यूशन टेक्स टाइम, वो एक जनरेशन की नहीं, वो 100 जनरेशन की बात है। हां सर, पर जो इंटेस्टाइन है वो तो छोटा ही रहेगा। नहीं, बड़ा भी हो सकता है, वो कह रहा है मतलब अगर एवोल्यूशन ऐसा होगा तो हम आज मीट वगैरह सब बंद हो जाए, तो ओमनीवोर्स हो जाए। हां जो ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स भी फूल पत्तियां नहीं खाते, वो खाते पके हुए चीजें ही हैं। कौवे को बोलो कि लीफ खा ले, नहीं खाएगा वो, क्या खाएगा? तो तुम हलवा रख के जाओगे या रोटी रख के जाओगे वो भी वही खाएगा, या फिर वो मीट खाएगा, है ना? वो ये नहीं खाएगा कि भाई मैं इतने सारे पत्ते हैं पत्ते खाता हुआ दिखता है कभी कौवा, नहीं ना? तो वो ओमनीवोर्स भी सेलुलोज नहीं खाते। हां बोलो पर उसकी मैंगो का वो येलो लेयर तो नहीं खाते हम, सेल वॉल है ना, जो वो चीजें नहीं। पॉइंट इज दिस, कुकुम्बर तुम बाहर से खाते हो पर वो बाहर की लेयर है वो नहीं एब्जॉर्ब होती, वो जो अंदर का मटेरियल है वो ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? खाने के साथ रफेज जरूरी होता है, तुमने बिल्ली और कुत्ते को भी देखोगे ना वो खाते ऐसे कुछ है पर बीच में एक पत्ती खा जाता है, उनसे क्या होता है उसको हजम करने में आसानी। तो रफेज इज अलग थिंग एंड मेन प्राइमरी डाइट की बात हो रही है कि तुम फूल पत्तों पे जिंदा नहीं रह सकते पर खाने के साथ थोड़ा बहुत सैलेड खाना पड़ेगा। क्लियर ही पॉइंट? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ, व्हिच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड्स, वन इज लिवर एंड अदर इज पैंक्रियास। लिवर और पैंक्रियास दोनों से हमें क्या मिलता है? कुछ सिक्रीशंस। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं जिन्हें बोल जो प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। तो एक तो लिवर का एंजाइम मिलेगा उसे, दूसरा उसे पैंक्रियास का एंजाइम मिलेगा, तीसरा वो अपने एंजाइम निकालता है इन द फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो सारे एंजाइम्स कहां जाके मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैं ये बात अभी रिपीट करता हूं। अच्छा, इसमें प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ग्लिसरॉल, अभी बताओ ये सब चीजें एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, हम न्यू तो हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड।
डाइजेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सुनो मेरी बात, खाने में क्या खाते हो तुम? पिज्जा बर्गर छोड़ के मैं पूछ रहा हूँ, खाने में कौन से मॉलिक्यूल्स खाते हो तुम? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्ब्स इज फैंसी नेम फॉर कार्बो, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटमिन मिनरल तो मैं ऐसे नहीं खाते कि भाई हाँ तो आज वाइटमिन ही खाते खाने में टैबलेट खाते हैं पर बहुत कम खाते हैं, वाइटमिन बहुत कम चाहिए होती है, ज़्यादा खाओगे तो टॉक्सिसिटी भी होती है, मतलब ऐसे नहीं कि भाई खाते ही जाओ, खाते पानी में कौन सा मिनरल होते हैं पर वो हम उस पर जिंदा नहीं रहते है ना, उसकी कमी से डिफिशियंसी हो सकती है, बट इट इज नॉट अ प्राइमरी सब्सट्रेट जिससे हम जिंदा रहते हैं। पॉइंट इज दिस, एक और चीज है वो है न्यूक्लिक एसिड, क्या है न्यूक्लिक एसिड, ये सब में होता है, तो मीट खाओगे तो मीट में, प्लांट खाओगे तो प्लांट में, सबके अंदर डीएनए और आरएनए होता है, तो तुम जान ना चाहते हुए भी या जानते हुए भी कि उसको तुम हटा ही नहीं सकते, कोई भी सेल हो हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो तुम क्या खा रहे हो, तुम कुकुम्बर खा रहे हो, कुकुम्बर में सेल ही नहीं है, जिन लिविंग था ना सर पर जो ऐसे काम होते हैं सब में थोड़ी होता है सेल, क्या सेल किस में नहीं होते, क्या चीज खाते जिसमें सेल नहीं, रोटी किससे आ रही है, आटे, आटा क्या है, वीट, वीट क्या है सेल, और सीड्स आर लिविंग प्रोडक्ट्स, हैं लिविंग चीजें जिन जो भी हैं वो सेल से बनी हैं, ठीक है, जरूर डिवाइड होने के बाद उसी में रहता है जिंदा, क्या ये नहीं, हमने अगर जैसे हमने क्रॉप में से वीट निकाली है तो वीट क्या है, वीट इज अ सीड, वीट क्या है सीड है, और सीड जो है एक सेल ही है सर, वो पूरे में रह जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हर एक सेल में होता है प्लांट और एनिमल में, बैक्टीरिया में नहीं होता, तो सब में न्यूक्लियस होता है तो सब में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, तो तुम चाहे कोई प्लांट खा लो या कुछ एनिमल खा लो, कुछ भी खा लो जो लिविंग चीज से आया है सिवाय विटामिन मिनरल्स उसके, पर उन सब में क्या होगा न्यूक्लिक एसिड भी होगा, क्यों होगा ये बात समझ में, क्योंकि हर एक चीज के अंदर न्यूक्लियस है और हर एक न्यूक्लियस में डीएनए है, तो तुम्हारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, अब ये क्या होते हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं आयंस जो विटामिन्स मिनरल्स ऐसे होते हैं, Na+, K+ ये भी चीजें चाहिए होती है, ये मिनरल्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट तो बोल सकते हैं वैसे, न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिएंट वैसे वर्ड जो होता है वो आयंस वगैरह के लिए होता है, अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास बॉडी में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, और ये बायो मॉलिक्यूल्स ये माला की तरह है, मोतियों की माला की तरह, ये सारे पॉलीमर्स हैं, ठीक है, पॉलीमर माने ये बहुत सारे एक 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 जैसी बहुत सारी चीजों से बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट किस मोती की माला है वो उनको बोलते हैं, अच्छा
तो हम कह रहे थे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर है, पॉलीमर माने बहुत सारी चीजों से मिलकर बना, एक ही चीज को रिपीट करके बना। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स ऑफ लाइक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज का पॉलीमर होते हैं स्टार्च और सेलुलोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल स्टार्च और सेलुलोज भी है एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो एन एग्जांपल, पर पॉइंट इज दिस कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स है, क्या है रिपीटिंग यूनिट्स, यानी ये एक मोतियों की माला है और इसकी जो एक मोती है वो शायद ग्लूकोज भी हो सकता है, क्या हो सकता है ग्लूकोज, वो फ्रक्टोज भी हो सकता है, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज मॉलिक्यूल्स है जिनको जोड़ 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 के बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये वाली बात समझ में। अच्छा फैट्स दो चीजों से बनते हैं, एक ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं फैट्स, ठीक है फैट्स पॉलीमर नहीं है पर ये दो चीजों से मिलके बने हैं, दो चीजें क्या है, एक है अल्कोहल टाइप स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड, एसिडिक सब्सटेंस है थोड़ा के बीच में एसिड ग्रुप होता है नोन एज फैटी एसिड। अच्छा प्रोटीन किसके बने होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, तो दे आर ऑल्सो चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियो Times. तो अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, व्हाट आर प्रोटीन्स, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, एंड फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये पूरा प्लीज जल्दी से नोट करो, न्यूक्लियोटाइड चलिए नोट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स दी ग्लूकोज और बस ग्लूकोज की नहीं ग्लूकोज की जगह और भी हो सकते हैं, ये बोलते हैं मोनोसैकेराइड पर वो भी फॉर्म होता डर जाओगे, फिर से भी ऐसे लिख लो कि ग्लूकोज जैसे मोनोमर होते हैं, सर तो हमारे बॉडी में एक से ज्यादा डीएनए आरएनए होता है, हर एक सेल में एक डीएनए होता है, तो हमारे लाखों सेल है सर, नहीं मतलब जैसे अब ये हम कोई फूड लेंगे तो वो अलग टाइप का डीएनए आरएनए होगा उसमें, जिस टाइप का खाओगे वैसे, जैसे सपोज अगर तुम एक ही प्लांट के दो चीजें लेते हो तो उसमें सेम डीएनए होता है, जैसे हमारे हर एक सेल में सेम डीएनए होता है हर एक सेल, तो डीएनए का टाइप प्लांट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा है, पर वैसे डीएनए आरएनए सब, ठीक है लिख लिया सबने, आगे बढ़ लिया, न्यूक्लियोटाइड लिखिया। अच्छा अब इस सब कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब ये है कि ये सब चीजें मिलके कार्बोहाइड्रेट बनी, फैट बनी, प्रोटीन बनी, न्यूट्रिएंट, अब जब हम इन्हें खाना खाते हैं तो हम इनको सिंपल चीजों में तोड़ना चाहते हैं, हम किस चीजों में तोड़ना चाहते हैं, तो अगर हम बात करें स्टार्च, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, यस और नो, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च सेलुलोज टूटेंगे किसमें, फाइनली आफ्टर डाइजेशन न्यूक्लिक एसिड किस में टूटेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, वेरी गुड। अच्छा दिस इज हाउ कंप्लीट डाइजेशन शुड लुक लाइक, ठीक है, तो ये आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर थिंग्स, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन complex substances are broken into simpler things,
are broken into simpler things. ठीक है, तो अब अगर मैं कभी भी पूछूं कि कार्ब्स का कंप्लीट डाइजेशन पे क्या बनना चाहिए, प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन पे क्या, फैटी एसिड के और न्यूक्लिक एसिड के, तो याद रहेगा ये पॉइंट? यस। ठीक है, तो और कंप्लीट साइट क्या होती है डाइजेशन की? स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाय द टाइम तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पिज्जा का या फैट जो बर्गर में है या फ्राइज में जो है, और जो न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे प्लांट प्रोडक्ट या किसी भी चीज में है, वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसको इन चीजों में बदला है, किन में? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। समझ आई बात? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। सर अगर तुम कुछ ऑयली खाते हो तो सो साइड ज्यादा होता है, सर वो लिवर में कैसे आ सकता है? लिवर में वो जाके फैटी एसिड जो है ना लिवर में चिपक जाते हैं, तो फैटी लिवर में। ठीक है, तो जैसे तो उससे लिवर की जो एंजाइम है, लिवर की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए ज्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये दूसरी बात, वो कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। देखो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल नाम से पता है कि मैदा पेट में चिपक जाता है, मैदा पेट में चिपक जाता है। हाँ, वो भी है क्योंकि मैदे का डाइजेशन कम होता है वेट से, है ना, तो मैदा जो है ज्यादा वो है, फाइन होता है, बनता तो भी आटे से ही, वो और ज्यादा बारीक होता है। अच्छा आगे बढ़े। yes, तो हम यहाँ पे थे जब हमने ये बात कहानी शुरू करी थी, हमें बोला गया था कि एंजाइम्स जो प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में वो प्रोटीन्स को क्या बना देते हैं? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, और फैट्स को फैटी एसिड। ये बात याद रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट्स देखो, पता है इजी इजी चीज तो कुछ भी लिख ले, कोई भी लिख लेता है। जब एग्जाम आएगा अगर मुझसे पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं भी लिखूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग, स्मॉल डायमीटर, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बस इतना सा। ऐसे इजी इजी तो सब लिख लेते हैं, तुम जितना डिफिकल्ट चीजें लिखोगे, जितने फैक्ट लिखोगे उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो तुम्हें जितना पता है, और ज्यादातर ऐसी चीजों पे फोकस करना है जो बाकी बच्चे याद नहीं कर सकते, जो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें ज्यादा फोकस करो, जो तुम्हें नंबर दिलाए और उनको अंडरलाइन करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? देखो हमें आता है, दिखाएंगे। जैसे अच्छा, डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? जब पूरा डाइजेशन हो जाता है, जब चीजें टूट गई हैं, तो यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की साइड, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स इन मेजर लीड, स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली बात समझो, ये चैप्टर लंबा हो जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स की कोई आ रहा है अभी चैप्टर? लेकिन हमारे एग्जाम जुलाई में होंगे, 30 वर्ष है पूरा नहीं आ रहा है। एक बार तो हो गया सर, लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन सर, फर्स्ट में वो नहीं आ रहा कोरोजन और डेंसिटी के अलावा पूरा वो भी टाइम एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा मुझे सर। लाइफ प्रोसेस में किसका एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में है? रेज योर हैंड। 1 2 सर मेरे रिजल्ट की बात से शुरू है, 7 से शुरू है। मैं तो तुम बच्चों को इतना क्यों परेशान? तो एक बार दोबारा हाथ खड़े करें, कौन कौन है? 4 5 है ना तेरे लिए? 10 दिन बाद से शुरू है, वही हो गया 10 दिन बाद क्या शुरू होगा? मेन हाँ, तो क्या क्या चैप्टर रहते हैं ये बता दो मुझे। लाइट और डाइजेस्टिव लाइफ प्रोसेस पूरा आ रहा है। हां कहां तक? ह्यूमन हेटरोट्रॉफिक म्यूटेशन
हेटरोट्रॉफिक। तुम सेम स्कूल में हो? कौन कौन सेम स्कूल में? तू किसने? कुलाची में। तो कुलाची में और कौन है? भारत तो सिर्फ हेटरोट्रॉप वाला नहीं आ रहा। तू कुलाची में नहीं है? मैं हूँ ना। कहाँ न्यूट्रिशन कहाँ तक आ रहा है? और अनीशा, अनीशा तुम्हारे कहाँ तक आ रहे हैं? यहाँ तक ही डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं इसके बाद ब्रेक लूँ इमेंट डाइजेस्टिव के बाद? रेस्पिरेशन इसके बाद लेना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का कोर्स पूरा नहीं होगा। न्यूट्रिशन तक रेस्पिरेशन इसके बाद वो भी आ रहा है क्या? तो रेस्पिरेशन के बाद नहीं सर, ऐसे भी ये वाला सर क्या है? ऐसे इसको करने लगे एक महीने लगेगा, ये भूल करवा दो सर एक महीने में। चलो एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करता हूँ फिर, ये चलता रहेगा। नहीं जिसका एग्जाम आ रहा है उनका ठीक है। डाइजेस्टेड फूड अभी रुक जाएंगे, मैं बात करके जाएंगे उनसे ठीक है। डाइजेस्टेड फूड टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन इनर वॉल्स। अच्छा देखो ये स्टमक से आया फूड और ये आया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किसमें आया? जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे ना सिर्फ फूड जो है वो टूटना है बट वो एब्जॉर्ब भी होना है। वो क्या होना है? एब्जॉर्ब। अच्छा जब ये एब्जॉर्ब होना है मान लो, तो इसकी जो लाइनिंग है अगर वो ऐसे ही हो उसका सरफेस एरिया कम है, पर अगर इसके अंदर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो तो उसमें सरफेस ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? कैसी सरफेस ज्यादा होती है? तुम खुद देखो, मैं अंडरलाइन ये पहले, अगर इस सपोज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना हो तो ये येलो वाला पार्ट है सरफेस एरिया, पर अगर यहाँ पे विलाय हो तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस लाइन की लेंथ को ही देख के बता सकते हो? बीच में नहीं जाएगा। तो पॉइंट इज दिस, जब फूड यहाँ पे टूट गया, फूड किस में टूट गया? अमीनो एसिड में। किस में टूट गया? प्रोटीन टूट गया अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट टूट गए ग्लूकोज में, और फैट्स टूट गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सर स्टमक में कुछ नहीं होता? स्टमक में बहुत कुछ होता था, पर कब होता था? जब हम छुट्टी पे थे ठीक है। तो अब हम आ गए इंटेस्टाइन में, छुट्टी से बाहर, तो स्टमक में हो चुका जो होता था। अब अमीनो एसिड्स जो हैं वो ये विलाय बोलते हैं इनको, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें क्या बोलते हैं? विलाय। ठीक है, मतलब स्टमक में डिटेल में करा चुका हूं, वीडियो भेजूंगा किधर तो देख ली सर ग्रुप पे देख लिया। अच्छा विलाय, विलाय जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और वो कहां पे है? इंटेस्टाइन में। कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल। ये क्या करते हैं? विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये पक्का क्वेश्चन आता है, ये तो पेपर लीक वाली बात है। सर और भी बता दो। हां तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय? व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? लिखोगे? अभी भी नहीं लिखेंगे। लिख रहे व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर विलाय एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? कॉपी पे लिखेंगे व्हाट आर विलाय एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। यदि उधर पूरा एक ही टर्म का हां शायद एंगल हो गया ना। अच्छी बात है सर, बोल दिया न्यूज़पेपर में छप चुका है। लिखो लिखो व्हाट आर विलाय एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, कैपिटल में लिख दिया। विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन full stop, these increase the surface area for absorption, and hence increases the rate of absorption. They increase the surface area and hence increases the rate of absorption. ठीक है सुनो मेरी बात। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, हमें अमीनो एसिड में टूट गए। अब अमीनो एसिड को पहले हमें क्या करना है? हमें अमीनो एसिड्स को निकाल के लाना है सो दैट वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके अमीनो एसिड। तो ये एब्जॉर्प्शन में विलाय हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? क्योंकि विलाय सरफेस ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो ज्यादा सरफेस मिलेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जैसे इवेपोरेशन,
इवेपोरेशन एक एक ग्लास में ज्यादा होता है पानी का या एक डिश में? डिश में। डिश में पानी है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है कि कुछ चीजें सरफेस पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? सरफेस। और जैसे हमें पता है डिश का सरफेस क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू अ कप, तो उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन भी सरफेस से होती है। जैसे इवेपोरेशन सरफेस से होता है हवा में पानी जाना, वैसे ब्लड में खाना जाना भी सरफेस से होता है। अगर हम सरफेस को बढ़ा दें बाय यूजिंग विलाय तो एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है भाई? विलाय के अंदर एक और पार्ट, विलाय ए पॉइंट भी लिखनी है। विलाय आर रिचली सप्लाइड, लिखो are richly supplied by blood vessels which helps in absorption of food. ये भी इसी के अंदर add करेंगे। अब तू मत कहोगे कमीश। Villi are richly supplied with blood vessels which take the food to each and every part of the body. Food थोड़ी लगी जाती है सर। मतलब वो फूड का एब्जॉर्ब, फूड माने वो जो ग्लू। अब फूड का क्या बचा है हमारे पास? अमीनो एसिड्स और ये चीज जो वो फ्रूट बोल रहे हैं, फूड बोल रहे हैं। अच्छा लिवर और तुम्हें याद है बाइल, बाइल सिक्रीट करता है लिवर। कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट बाइल। ये हवा था मैं और बाइल का एक फंक्शन हमने बोला था एक इमल्सिफाई भी था। इमल्सिफाई माने बड़ी ड्रॉप्स को ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना। मतलब जो फैट का पार्टिकल है वो बड़ा ड्रॉप होता है तो उसको छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ने के लिए कौन हेल्प करता है? गौरव बाइल। ये देख लो लिवर से निकलता है और वो बड़ी ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ता है। अंश क्लियर? तो बाइल का एक फंक्शन और है। अच्छा तुम्हें याद है एसिड HCl एसिडिक होता है? Yes. तो बाइल इज बेसिक। बाइल कैसा है? बेसिक का एक और वर्ड है अल्कलाइन। इसके ऊपर लिख लो जो स्टमक से फूड आ रहा है वो एसिडिक है। क्यों? स्टमक HCl रिड्यूस करता है ना, तो स्टमक से आने वाला फूड कैसा था? एसिडिक। बट जो फूड हमें फूड को बेसिक बनाना है, क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन जो एंजाइम था पैंक्रियास का, उसे बेसिक पीएच प्रेजेंट है। मतलब दो भाई हैं, एक पेप्सिन और एक ट्रिप्सिन, दो भाई हैं। दोनों भाई कजिन्स हैं और वो दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। पेप्सिन कौन से घर में रहता है? स्टमक। और ट्रिप्सिन कौन से घर में रहता है? पैंक्रियास से निकलता है पर रहता स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें रहता है? मतलब वो हॉस्टल में चला गया, घर उसका गया था पैंक्रियास पर उसका हॉस्टल गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दोनों भाई क्यों बोले जा रहे हैं? दोनों भाई क्यों है? सेम फंक्शन, दोनों का सेम फंक्शन है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। क्या डाइजेस्ट करते हैं? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों क्या डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन। याद रहेगा। अच्छा दोनों के मन पसंद नहीं है, एक को इटालियन फूड पसंद है एक को इंडियन, तो एक को एसिडिक फूड, एक एसिडिक फूड पसंद है दूसरे को बेसिक एल्कलाइन। ठीक है, तो अब ये दोनों के रेस्टोरेंट्स भी अलग होंगे है ना, जो खाना उन्हें अब ऑर्डर देते हैं। तो एक जो है HCl की हेल्प लेता है और दूसरा बाइल, एक किसकी? HCl की, एक बाइल। HCl की हेल्प कौन लेता है? पेप्सिन। पेप्सिन को कैसा खाना पसंद है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। ट्रिप्सिन को कैसा खाना पसंद है? बेसिक एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन खाना कराने के लिए कौन हेल्प करता है? बाइल। याद रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, बाइल के दो फंक्शन हो गए। इट मेक्स द फूड बेसिक, इट मेक्स द फूड बेसिक फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमने लिखा बाइल सॉल्ट्स होते हैं बाइल में प्रेजेंट जो कि बड़े बाइल को छोटे बाइल बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ने के काम। क्लियर है ये पॉइंट? Yes. साची क्लियर है? पूछ लूं? Yes.
कुछ और भी तो इमल्सिफाई करता था, एक और चीज भी तो इमल्सिफाई करता, वो सोप करते हैं पर वो सोप हम खाते नहीं। पहले आपने सोप का एग्जांपल, मैं सोप का समझाया था, अपन सोप हमारे वैसे ही कपड़ों के ऑयल को ऐसा करते हैं। अच्छा, बाइल का ही बताया था। हां, बाइल जैसा काम करते हैं सोप, है ना। अच्छा, पैनक्रियास के अंदर, अब चाची यहां पे ध्यान दें, इतनी दूर बैठती है जो वहां से दिखता भी नहीं है, वैसे दिखता है रीड करके बताइए इधर इधर। हां हां, अच्छा चलिए पहले दिख रही होगी, देख मुझे पता चल रहा था यहाँ से, चल खड़े हो इधर आ जा, नेक्स्ट टाइम भी या तो चश्मा लगवाओ या फिर बाहर, ये पाइप ही क्या हुआ, बॉडी भी देखना, नोट फ्लेक्सिंग करना है तो। हाँ, और किससे पूछो, वही बैठ, ये पीछे और ऐसे ऐसे तो ध्यान देना आप, ठीक है, दिख ही नहीं रहा तो फिर पढ़ लिया क्या फायदा, पॉडकास्ट सुन लिया करो पढ़ाई का, ठीक है। हाँ बोलो, अनअब्सॉर्ब फूड इज साची चेक करते ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है जो कि पैनक्रियास से निकलता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और एक और एंजाइम है जो पैनक्रियास रिलीज करता है वो है लाइपेज, पैनक्रियास का एक और एंजाइम है जिसे बोलते हैं लाइपेज, याद रहेगा, ठीक है। तो लाइपेज किसको ब्रेक करता है, फैट को, इमल्सिफाइड फैट को, बड़ा फैट छोटा फैट हो गया, छोटे फैट को तोड़ने वाला कौन है, लाइपेज, कौन है बड़ा कितनी बार तोड़ सकते हैं, पहले छोटे फैट में तोड़ दिया, छोटे ऑयल ड्रॉप में फैट, अभी भी फैट है पर टूटा तो नहीं ना, अपने केमिकल फॉर्म में तो नहीं आया, तो फैट को फिर लाइपेज एक्ट करता है, लाइपेज उसे तोड़ देता है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड। एटम के होते हैं ना, एटम तो एटम कहां जा रहा है, केमिस्ट्री में दूसरा होगी। हां, एटम मतलब एटम इस सब चीजें एटम से बनी होती है, ये भी ना, हां सब चीज मेरे साथ में है ना, वो है ना उसका एप्लीकेशन है अगले साल के लिए। अच्छा, तो जो भी खाना अनडाइजेस्टेड रह गया वो रिमूव हो जाता है वाया एनस, ठीक है। और वाटर किसमें एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इट हैज मोर विलाय, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के पास और ज्यादा विलाय होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर ए पॉइंट, दिस कंप्लीट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट ये तुम्हारा होमवर्क है बिना गूगल के करे हुए, ठीक है। और अब टाइम सर, छोटा सा टेस्ट, टेस्ट भी लेते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं टाइम सर, कार्ड से जो करेंगे सर।